अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। तो आज तीसरा दिन है और हम जाने लगे हैं गाड़ी देखने के लिए। अल्लाह करे कि आज मिल जाए, क्योंकि गर्मी है फिर और मुश्किल हो जाता है गर्मी में घूमना घूमना। ये फिर से जा रहा है मेरे साथ। ओ, तुम क्या कर रहे हो, तुमने भी जाना है, चलो चले। तो हम पहुंच गए हैं नौशहरा और हमने देखी है अब तक 5-6 बार्गेने। देखेंगे कि इसके बाद हम कितने बार्गेन्स में जाएंगे, आज कितने बार्गेन्स पूरे करेंगे। जुड़े रहिए। चेक करे, येलो फॉक्सी चेक करे। अच्छा, तो गाड़ी देखते देखते ये हमने देखी तकरीबन 30 शोरूम, लेकिन गाड़ी नहीं मिली और आखिरकार हम पहुंच गए हैं बाबर ऑटोस। अगर यहाँ पर कुछ बना तो देखते हैं, इनसे पूछते हैं। ये है जी वो बाबर भाई के मरगेला, आप लोगों ने देखा होगा। ये कह रहे हैं कि बाबर भाई जो है ना वो नहीं शॉप पे। मर्दान में एक एक बार्गेन पेशावर से स्टार्ट हुई है और मर्दान तक पहुंच गए हैं, लेकिन गाड़ी नहीं मिली हमको। इस गर्मी में, इस धूप में ख्वार हो रहे हैं, लेकिन गाड़ी नहीं मिल रही है। अभी रास्ते में बैठे हैं, एक बाइक का इंतज़ार करना है, उसके पास गाड़ी है तो वो देखेंगे। अब फिर उसके बाद देखते हैं कि डील हो जाए उनके साथ। हमने जो है ना सारा मर्दान चाँड लिया, अब सवाबी रोड पर आए हैं। ये हमारा तकरीबन 50वां बार्गेन है। यहाँ से अब गाड़ी ढूंढ लेंगे कि मिल जाए। 50वां है, 50वां। हम आए थे मर्दान, तो अब ये कह रहा है कि मुझे भूख लगी है, अभी ये टूसी का इसको किसी भूख लगी है। तैरते सिंको हाँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या है इसमें, क्या है? ये हमारा ड्राइवर है, ये सेठ साहब है। सेठ साहब को भूख लगी है, 4 बज गए हैं। गाने का कोई भी चीज देखता है ना तो कहता है कि यार बस कुछ गाना है, कुछ गाना है। मैंने कहा कि तुम तो कह रहे थे कल के मुझे भूख नहीं लगती, शर्त भी लगाई थी कि मैं कुछ खाता पीता नहीं, मैं सिर्फ सिगरेट पीता हूँ, चाय पीता हूँ। क्या कर रहे हो? अच्छा, तो अभी 4 बज गए हैं और मूसा को बहुत भूख लगी थी, तो वो कह रहा था कि आप लोगों ने अगर कुछ नहीं खाना है तो मैंने खाना खाना है। तो अभी हम रुक गए हैं और 60 कार शोरूम देख ली, गाड़ी नहीं मिली, एक भी गाड़ी नहीं मिली। क्या खाना है तुमने? भूख लगी है। तो बस फिर गाड़ी मिल जाए, उसके बाद जाएंगे इंशाल्लाह। हमारा शतरमुर्ग में आ गया है। क्या किया है इनके साथ, ही देखो टांगी क्यों खोली है इसने। क्या किया तुमने इसके टांगों के साथ? तबाही मचा रखी। एक टांग काट दी फिर यहाँ की सब्जी बहुत मशहूर है, इसलिए हमने सब्जी मंगवाई है। ठीक है भाई, तो हम पेशावर से नौशहरा से रिसलपुर, मर्दान, शेरगढ़ तख्त भाई, फिर वहाँ से साढ़े 400, ये तकरीबन हम देख चुके हैं 80 बार्गेन्स।
और ये लास्ट बार्गेन है, वो पीछे देख सकते हैं गाड़ियां खड़ी है वो। तो अगर अब भी इसके बाद भी गाड़ी नहीं मिली ना, तो हम क्या कर सकते हैं। हर जगह देख ली, ओवेलेक्स देख लिया, पार्किंग देख ली, लेकिन गाड़ी नहीं मिल रही। अच्छा जी, तो हम घर पहुंच गए हैं और गाड़ियां हमने देख ली, सेलेक्ट भी कर ली है। इंशाल्लाह कल फाइनल करेंगे और फिर प्रोजेक्ट पे काम शुरू करेंगे। तो बहुत ज़्यादा थक गए हैं आज, 80-82 शोरूम्स देख लिए हमने आज, पेशावर, चारसद्दा, मर्दान, रिसालपुर, नौशहरा, तख्तबई और उससे आगे। बहुत ज़्यादा थक गए हैं। तो मैं अपना व्लॉग आज यहाँ पर एंड कर लेता हूँ। इंशाल्लाह मिलेंगे कल नए व्लॉग में और मेरे साथ जुड़े रहेंगे। इंशाल्लाह ये मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट होगा और इंशाल्लाह बहुत आगे तक जाने का सोचा है। तो प्लीज़ बहुत बहुत सपोर्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।